रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, आपने सुन लिया सारे का पासवान को भी, हमारे साथ बीजेपी जेडीयू के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन ये जो 60 घंटे के बाद हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये साजिश थी? क्या इसके पीछे किसी तरह की साजिश की खबरें निकल के सामने आ रही हैं? देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो जिसने अपने 17 साल के जवान बेटे को खोया है, संसार में उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। उसके दुख को समझना बहुत मुश्किल है। और उस माता पिता से मेरी बातचीत हुई, उनके अनुराग के पिताजी ने शांति की अपील की है कि लोग शांत रहें। मुंगेर के लोगों से उन्होंने कहा है कि अनुराग के लिए जस्टिस की मांग होगी, जो जस्टिस फॉर अनुराग जो ट्रेंड कर रहा है वो अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन लोग शांत रहें, ये अपील है अनुराग के पिताजी की। रही बात, कोई घटना होती है तो प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, अगर 60 घंटे के बाद अगर पब्लिक इस तरह से रिएक्ट करती है, ये कहीं ना कहीं डेलिब्रेट है, ये इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को उस दिशा में उसकी जाँच करनी चाहिए। और जो 7 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के अंदर जो मगध रेंज के आए जो कमिश्नर हैं वो जांच करेंगे, लेकिन गृह विभाग से क्या पत्र गया था? सबसे और बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं सुमेरा कि क्या गृह विभाग से कोई पत्र गया था मुंगेर को कि नवमी के दिन यानी कि 10वीं के पहले मूर्ति का विसर्जन करा देना है? अगर पत्र गया था, उस पत्र का मजमून क्या था? क्योंकि समस्या यही है कि वहां पर बड़ी देवी को लेकर लोगों के अंदर अगाढ़ श्रद्धा है, और वो श्रद्धा है कि 10वीं के बाद ही विसर्जन होता है, लेकिन इस साल अगर 10वीं के पहले विसर्जन करना था और इसके लिए गृह विभाग से बाजाब्ता पत्र गया था, और चुनाव आयोग की टीम जब मुंगेर गई थी, उस मजमून के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन अभी फिलहाल आज की जो घटना है और जो ये जिस तरह से इसका कनेक्शन राजनीति से, चुनाव से जुड़ता दिखाई दे रहा है, वो बड़ा मुद्दा है।